एक तरफ जहां देश के एक बड़े हिस्से में बाढ़ और पानी से तबाही मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ बिहार के करीब 35 जिले ऐसे हैं जहां पर सूखा का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल यहां पे बादल तो उमड़ रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से बिहार के 35 जिलों में सूखे जैसे हालात हो गए हैं। जून और जुलाई में 48% कम बारिश हुई है, अब अगस्त में भी भारी बारिश की संभावना नहीं बन पा रही है। मौसम विभाग की माने तो इस साल अगस्त में अगर 319 mm बारिश होती है तब जाकर हालात सामान्य हो पाएगा, लेकिन इसकी संभावना बेहद कम हो रही है। आशंका है कि इस बार सूखे के आसार बन पड़ेंगे। दरअसल इस बार जून और जुलाई में इतनी बारिश नहीं हुई है जितनी की अपेक्षा की गई थी। 12 जून को बिहार में मानसून की एंट्री हुई थी और उसके बाद लगा था कि इस बार मानसून की बारिश अच्छी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नतीजा ये है कि अब धान की रोपनी का समय है और पूरे बिहार के अगर औसत की बात करें तो अभी करीब 47% ही रोपनी का काम हो पाया है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी बहुत कम हुआ है और ऐसे में अब किसान डीजल अनुदान की बात कर रहे हैं। सरकार अनुदान देने की घोषणा तो की है लेकिन उन्हें डीजल नहीं मिल पा रहा है। कई इलाके ऐसे हैं जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, वहाँ पर डीजल से अब पंपिंग सेट से खेतों को पटाया जा रहा है लेकिन किसानों को काफ़ी महंगा पड़ रहा है। बहरहाल कुदरत के इस मार से किसान दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ तो कुदरत की बारिश नहीं हो रही, दूसरी तरफ सरकार सिर्फ अब भी आश्वासन ही दे रही है। नतीजा ये है कि जहां खेत सूख रहे हैं वह किसानों के आंखों में आंसू है। एक्चुअली बारिश नहीं हो रहा है, किसान परेशान है, लेकिन जितना किसान परेशान है उतना सरकार भी तत्परता से खड़ी है। और मैंने पहले भी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि किसान मायूस हैं तो उनकी मायूसी के पीछे सरकार के लोग और सरकार के कृषि मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सारी सुविधा देने के लिए खड़े हैं। इवन कि मैंने कहा है कि बिहार के खजाने पे सबसे पहला अगर किसी का अधिकार है तो वो किसानों का है, क्योंकि हम किसान को ईश्वर स्वरूप मानते हैं। अब बारिश नहीं हो रही है, मैंने कई भाजपा के साथियों को आग्रह किया कि इतना मंदिर मस्जिद बनाने के चक्कर में रहते हैं आप लोग, एक बार पूजा भी तो करा दो, थोड़ा बारिश हो जाए, लेकिन सुन ही नहीं रहे उन लोग। अब देखिए कितने बड़े बड़े जो है धर्म की बात करने वाले लोग, कौन कौन बाबा आए, कितना प्रवचन दिए, लेकिन बारिश के लिए और किसान के लिए कोई प्रवचन उन्होंने नहीं दिया। खैर वो नहीं दिया तो उनकी मर्जी, लेकिन हमारी माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का ये निर्देश है कि आप पूरी की पूरी बिहार में नज़र बनाए रखिए और हम पूरी तत्परता से नज़र बनाए हुए हैं जहाँ किसानों को जिस चीज़ की जरूरत पड़ रही है। अभी जैसे पूरे बिहार में हमने मक्के की जो है बीज को पहुंचा दिया कि अगर धान की रोपनी नहीं हो पा रही है तो किसानों के बीच में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मक्के का बीज वितरण करिए। ऑप्शन होना चाहिए ना, मान लीजिए धान की खेती नहीं हो रही तो बहुत तरह की चीज़ है जिसको किसान कर ले। तो हम पूरी तत्परता के साथ खड़े हैं और पहला लॉट में हमने पूरे बिहार में मक्के की बीज जो है करीब गया में भी 900-950 हमने भेजा है और किसान उसको ले रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे जैसे, चूंकि मौसम विभाग ने कहा है कि इस वीक में थोड़ी बारिश की संभावना है, हम उसको देख रहे हैं। इस वीक में अगर अच्छी बारिश नहीं होती है तो फिर हम कुछ न कुछ नए तरीके से किसानों के लिए कुछ फैसला लें। पूरा बिहार इंद्रदेव के नाराजगी से बारिश नहीं होने के कारण सूखे का दंश झेल रहा है और मुख्यमंत्री सिर्फ मीटिंग कर रहे हैं, सिर्फ नौटंकी हो रही है बिहार सरकार के द्वारा। कहीं भी किसानों को न कोई मुआवजा दिया जा रहा है, न कोई राहत दिया जा रहा है, न उनके रोपनी का प्रबंध किया जा रहा है, न सिंचाई का प्रबंध किया जा रहा है और पूरा बिहार अकाल पड़ने की स्थिति में आ गई है, अकाल क्षेत्र होने जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी चैन की बंसी बजा करके सिर्फ महागठबंधन महागठबंधन का खेल खेल रहे हैं। अपराध अनियंत्रित है, बिहार जो है जंगल राज की ओर जा रहा है और किसान बर्बाद हो रहे हैं। सूखा से निपटने के लिए कोई जो है मुआवजा और संसाधन की व्यवस्था नहीं हो रही है किसानों के लिए, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों को राहत दीजिए और किसानों के बरसात नहीं होने के चलते उनके सिंचाई का प्रबंध कीजिए। देखिए चूंकि ये तो प्राकृतिक रूप से अभी बारिश तो नहीं हो रही है, हम लोग सब लोग देख रहे हैं, लेकिन सुखाड़ को लेकर हम लोगों का विभाग जो है जितना भी राजकीय नलकूप है उसको ठीक कर रहा है और आहार पैन में भी जहाँ पर दिक्कत है, जहाँ पर पानी उपलब्ध है
किसी भी बांध पोखर में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विशेष मिशन शुरू किया हर खेत सिंचाई का, और साथ निश्चय में भी कुछ कार्य हो रहा है। तो जहाँ पर भी पानी है, कैसे लोगों को पानी उपलब्ध हो सके, इसके लिए पूरा हम लोग देख रहे हैं। जैसे भगवान के द्वारा, मौसम के द्वारा किसानों के साथ धोखा हो रहा है, उसी तरह से सरकार के द्वारा भी किसानों को ठगने का काम किया जा रहा है। और ज़मीन पर जो है अभी तक कोई भी काम नहीं उतरा। पिछले वर्ष भी लगभग आधा से ज़्यादा खेत जो है पानी के कारण जो है वहाँ रोपाई धान की नहीं हो पाई। और इस बार भी परिस्थिति कुछ उसी तरह का लग रहा है। किसान लोग मजबूर हैं, बेबस हैं, किसी तरह से कुछ खेत को डीजल के द्वारा रोप रहे हैं ताकि उनका जो है पेट चल सके। बाकी तो उनका काम भगवान जाने, भगवान के भरोसे है।